बहुजन विकास अघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन। वसई आज बहुजन विकास अघाड़ी की बाइक रैली निकाली गई, जिसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। रैली की अध्यक्षता वसई विरार महानगर पालिका के महापौर प्रवीण शेट्टी साहब ने की, जिसमें मुख्य रूप से अजय खोकानी, नगर सेवक अफिफ शेख व छोटू शेख शाहिद शेख मुन्ना भाई के साथ साथ वसई विधानसभा की जनता मौजूद रही। जन समर्थन देखकर महापौर प्रवीण शेट्टी साहब काफी उत्साहित दिख रहे थे। वसई से मसूद हक्कानी की रिपोर्ट। जैसा कि आप जो है बहुजन विकास अघाड़ी की रैली में जी, और ये एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे बहुजन विकास अघाड़ी ने ये रैली निकाली है, तो आपको कैसा क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ शिवसेना और बहुजन विकास अघाड़ी की डायरेक्ट टक्कर मानी जा रही है। हमको यहाँ तक ऐसा लगता है कि बहुजन विकास अघाड़ी को तो ये रैली ये सब निकालने की जरूरत है। क्यों? ये ऐसे ही जीत गएगी, क्योंकि उनको इतना उनको कार्यकर्ता पर भरोसा है कि बाबा मेरे कार्यकर्ता मुझे जिताना ही है। वो यहाँ पर ना प्रचार के लिए ज़्यादा कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि बस नहीं, फिर भी मैं घूम रहा हूँ। क्यों? कि मुझे अपना आना है, क्योंकि शिवसेना तो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता नहीं कि शिवसेना आएगी। क्या बहुजन विकास अघाड़ी ऐसी चीज़ है कि वो सबको लेके चलती है, सबको काम करती है, सबका, हिंदू मुसलमान सिख कोई भी धर्म के आदमी हो, सबको लेकर चलती है। प्रदर्शन के रूप में दिखाया जा रहा है बहुजन विकास अघाड़ी द्वारा, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे जो उम्मीदवार है जनाब हितेंद्र ठाकुर, तो हम लोगों को जनाब हितेंद्र ठाकुर को बहुमत से जिता के लाना है, और जनाब हितेंद्र ठाकुर को बहुमत से जिता के लाइए, वसई को सुंदर बनाइए, उस सिलसिले में आज रैली रखी गई हुई थी। और रैली बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हुई, और रैली का रूप वसई मैदान से पापड़ी से नायगांव से उमेड़ामान से देव तलाव से लेके फिर मैदान तक के रैली, और तो रैली बहुत ही लगभग कितनी बाइक से रही होंगी, कुछ अंदाज़े क्या? कम से कम 500 से 700 बाइक थी, और हर बाइक पे दो आदमी बैठा हुआ था, और हर लोगों में जोशो खरोश था, और हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारी सीट विन होए। तो उनकी जीत को लेकर बहुजन विकास अघाड़ी की 133 विधानसभा की सीट को जीत को लेकर कितना आप लोगों को विश्वास है? रैली नहीं थी, जितेंद्र ठाकुर साहब जो हमारे आमदार है जी, और वो रहेंगे आमदार जी। तो जो ये विरोधी लोग बार बार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ वो 5 साल में एक बार आते हैं, बोलते हैं विकास नहीं हो रहा है, बाकी के 4 साल कहाँ रहते हैं वो लोग? तो कितनी चुनौती मानते हैं इसको? विकास की हम लोग यहाँ खड़े हैं, महायुति के उम्मीदवार वो कितनी चुनौती मान रहे हैं? हम लोग जी 110 तक हम जीत रहे हैं, हमको कोई चुनौती कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि काम बोलता है ना, और काम किया है उन्होंने। यानी आप लोग इस सीट को लेकर एकदम सुनिश्चित है कि जो कोई आने वाले, उन्होंने काम किया है। अगर काम नहीं किया होते तो हमें डर रहता कि हमने काम नहीं किया है। और हितेंद्र ठाकुर ऐसे नेता है कि वो किसी भी वक्त कहीं भी कोई भी काम को नहीं छोड़ते, और वो पहुंचते हैं वहाँ स्पॉट के ऊपर, उनकी पहले से आदत रही है, हम हमारे बचपन से देख रहे हैं ये चीज़। थैंक यू।